नमस्कार दर्शक बंधु, मु आज आपण मानू वीडियो माध्यम रे भारतर इतिहास विषय जनइबि जहाँ आपण मानू आम देश तथा राज्यर समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे सहायक होगा सहित आपण माने इतिहास विषय किसी ज्ञान अर्जन करेंगे। चलतु डेरी नक आज प्रथम प्रश्न आरंभ करवा। इतिहास कहले कौन बुझा जाए, व्हाट इज हिस्ट्री। अतीतर अध्ययन को इतिहास कहा जाए बा आमे जो अतीतर घटनावली विषय अध्ययन करू इतिहास कहा जाए। परवर्ती प्रश्न, इंग्रजी शब्द हिस्ट्री केउठारु उत्पन्न होई। द इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हेयर। यह ग्रीक शब्द हिस्टोरियारु उत्पन्न होई। बा हिस्ट्री शब्दटी ग्रीक शब्द हिस्टोरियारु आसी। परवर्ती प्रश्न, हिस्टोरिया शब्दर अर्थ कौन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिया। अनुसंधान द्वारा प्राप्त करा जायतिबा ज्ञान को हिस्टोरिया कहा जाए। आमे कौन सी विषय रे अनुसंधान करी ता विषय जो ज्ञान अर्जन करिथाउ ताकु हिस्टोरिया बोली कहा जाए। पृथ्वीर प्रकृत ऐतिहासिक भाव रे किए परिचित, हु इज द रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड। ग्रीक देशर ऐतिहासिक हेरोडोटस पृथ्वीर ऐतिहासिक रूपे परिचित। आधुनिक इतिहास जनक कहा को कहा जाए, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। लियोपोल्ड वन रैंके को आधुनिक इतिहास जनक बोली कहा जाए। इतिहास पुनरावृत्ति करे, किए यही प्रसिद्ध पंक्ति को कही थिले, हु सेड द फेमस लाइन हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जर्मानर दार्शनिक हेगेल यही प्रसिद्ध पंक्ति को कही थिले। इंग्रजी वाक्य ख्रीष्टपूर्वर अर्थ कौन, व्हाट इज द इंग्लिश फ्रेज मीनिंग ऑफ बीसी। जीशु ख्रीष्ट जन्मर वर्षक पूर्व ख्रीष्टपूर्व भाव जनाशुना। जीशु ख्रीष्ट जब जन्मग्रहण करते पूर्व जो मसीहा गुड़िक रहा आम ख्रीष्टपूर्व बोली कही था। एडी कहले कौन बुझ, व्हाट इज द इंग्लिश फ्रेज मीनिंग ऑफ एडी। एडी कहले अन्नो डोमिन को बुझाए। जीशु ख्रीष्ट जब जन्मग्रहण करते पर समस्त मसीहा गुड़िक आम एडी बोली कही था। अध्ययन सुविधापी भारतर इतिहास को केते भागरे विभक्त करा जाए। फॉर द कन्विनियंस टू द स्टडी इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पीरियड। अध्ययन सुविधापी यह तीन भाग में विभक्त कराई, यथा प्राचीन भारत, मध्ययुगीय भारत एवं आधुनिक भारत। मनुष्य समाज आरंभ रु 647 मसीहा पर्यंत प्राचीन भारत, 647 मसीहा रु 1757 पर्यंत मध्ययुगीय भारत, 1757 रु परवर्ती समय को आधुनिक भारत बोली कहा जाए। प्राचीन भारतर इतिहास को केते भाग में विभक्त करा जाए, हाउ मेनी इज द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया डिवाइडेड इनटू। सरलीकरण अनुसार प्राचीन भारत इतिहास को प्राय 8 भाग विभक्त कराई, सेगुड़िक है पूर्व ऐतिहासिक अवधि बा जहाँ को आम प्री हिस्टोरिक पीरियड बोली कही था, ताहा 30 लक्ष बीसी रु 600 बीसी पर्यंत। सिंधु सभ्यता जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम से परिचित, ख्रीष्टपूर्व 250 रु ख्रीष्टपूर्व 1750 पर्यंत। वैदिक संस्कृति बा वैदिक कल्चर ख्रीष्टपूर्व 1500 रु ख्रीष्टपूर्व 600। महाजन अवधि महाजनपद पीरियड ख्रीष्टपूर्व 600 रु ख्रीष्टपूर्व 322। मौर्य अवधि बा मौर्य पीरियड ख्रीष्टपूर्व 322 रु ख्रीष्टपूर्व 185। मौर्य परवर्ती पोस्ट मौर्य पीरियड बा प्री गुप्त पीरियड जहाँ ख्रीष्टपूर्व 185 रु ख्रीष्टाब्द 319 पर्यंत। गुप्त पीरियड 319 मसीह रु 550 मसीह पर्यंत एवं गुप्त समय परवर्त अवधि जहाँ को आम पोस्ट गुप्त पीरियड बोली कही था, 550 एडी रु 647 एडी पर्यंत। यहीपर भाव में प्राय 8 भाग में विभक्त करा जाए। आशा करूँ यही भिडियोटी आपण मानक भल लगी, पुणी आउ किसी क्वेश्चन नहीं परवर्ती क्लास में मुझे आपण मानी आसवि। रोचे नमस्कार।